السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أبسب عاشقاني کو मेरी तरफ़ से मिलादनबी सल अल्ला वसलम की दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद मिलादनबी अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हम आपकी ख़िदमत में एक एंड्रॉड ऐप पेश करने की सदत हासिल कर रहे हैं जो दुनिया अरब का मशहूरमारूफ और, और मकबूल तरीन मिलाद नामा जो अपने यहाँ बरसगे हिंद पाक में भी खूब पढ़ा जाता है मजालस का इनका जाता है और वह है मौलूद बरजन जी तो इस ऐप को पेश करने की सदत हासिल कर रहे हैं हमारे अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन अजहरी साहब और कुछ बेसिक खिदमत इसमें मेरी भी हैं तो ये ऐप आप सब की खिदमत में पेश किया जा रहा है इस ऐप के मुतल मैंने सोचा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आप ने आप सब की खिदमत में पेश किया जाए ताकि आप को इस ऐप के बारे में इसके फीचर्स के बारे में कुछ मालूम दी जाएँ और मौके की मुनासबत से चूंकि अभी मिलाद शरीफ़ की आमद आमद है बारबी अव्वल की आमद आमद है मजालस का इनकाद होगा मौलूद शरीफ का इनकाद होगा जुलूस का इनकाद होगा तो इन सब मजालस की मुनासिबत से ये ऐप तमाम आशकानी रसूल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा तो मैं ये ऐप आप इनशाला आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं सबसे पहले तो आप सब यूज़र्स प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप ऊपर सर्च करेंगे मौलूद बर्जन जी उर्दू में सर्च करेंगे क्योंकि अभी ये नया ऐप है इसकी कोई रेटिंग्स नहीं है तो इस वजह से आप उर्दू में जब सर्च करेंगे थोड़ा नीचे जाके आपको ये ऐप आप यहाँ पे मिल जाएगी इस तरह से नाम है मौलुद बरजन जी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है नीचे आप अबाउट दिस ऐप पढ़ सकते हैं इसका मुख्तर सतारफ ऐप के बारे में और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ़ डिस्क्रिप्शन है मौलुद बर्जन जी इनके बारे में और इन्होंने ये कैसे लिखा क्यों लिखा तो वो सब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए बहुत ही छोटे साइज़ का ऐप है यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये फ़्रंट स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी मौलुदुलबरजन जी और इसके बाद मेन स्क्रीन पर हम आते हैं मेन स्क्रीन पर आने के बाद हमने जो है आप सबको पता होगा खासाता जो मौलूद खान हजरात होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं मजालस का अहतमाम करते हैं वो जानते हैं कि मौलूदुल बरजंजी जो है वो अलग अलग बंद में तकसीम किया गया है बाज हजरात का इसमें इख्तलाफ है कुछ कहते हैं अट्ठारह बंद है कुछ कहते हैं उन्नीस बंद है कुछ बीस बाईस तक भी गए हैं तो इस इख्लाफ़ की बुनियादी छोटी सी वजह यह है कि बाज़ बाज़रात ने कुछ बंद को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है यानी बाज़ हज़रा एक बंद को दो बंद मानते हैं तो इस वजह से बाज़ हज़रा ने तादाद बाईस बताई है बाज़ ने बीस बताई है लेकिन इस ऐप में आप देखेंगे तो हमने कुल बंद की जो तैदा है अट्ठारह रखी है ये मशहूर मारूफ है पूरी अरब दुनिया से बहुत सारे नुस्खों को आ, से मिलाकर उस पर जो है ना उनके साथ आ, मैच करके हमने ये बनाया है तो कुल बंदों की तैदा यहाँ पे अट्ठारह है तो इंटरफेस बिल्कुल सादा सा है ब्यूटीफुल टैब्स के साथ आप शुरू से करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहली स्क्रीन हमारे पास है पहला बंद है अब तदी उल इमला और बंद अव्वल यानी बंद का नाम भी हमने रखा हुआ है कौन सा बंद है और बंद की पहली इबारत अरबी के दो तीन अल्फाज हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं तो किस तरह आप पढ़ेंगे सबसे पहले बंद पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मेन स्क्रीन पर ले जाएगा बंद की देखें बंद यकम अब तदी उल इमला तदीला बिसमिलहन अब्दी उलम्ला बसम ज़ातिलआली के पूरा बंदा पढ़ेंगे नीचे तक और इसके बाद हर बंद के साथ जो पढ़ा जाता है आतब्रलकरीम बेरफिन शजीय बिन सलात व और इसके साथ फारसी में भी पढ़ा जाता है इलाही बालामर बिकुन कब्र खराम बस हजरात अपने इलाकई अतबार से अपनी जुबान में भी इस आ, को ताबिर करते हैं जिस तरह कश्मीर में हम लोग कश्मीरी में कहते हैं तो अपने अपने इलाके के अतबार से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसके अलावा हर बंद का यह मामूल है कि हर बंद के बाद सलात सलाम या कोई नाज़ शरीफ पेश की जाती है आकली सलातम की बारगाह में तो हद ये अकीदत जो आप पेश करते हैं उसके लिए भी आपको कहीं जाना जाने की ज़रूरत नहीं है हमने यहाँ पे उर्दू नात शरीफ जैसे ऐड की हुई बंदे यकम में सुबह तयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का इमाम सुन्नत रिम्ल्ला की नात शरीफ ऐड की हुई है नीचे जाएंगे तो फ़ारसी नात शरीफ भी इस तरह आपको मिल जाएगी किबल्ल दिल आफ, रोय ओस्त हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रही की नात तो इस तरह से ये एक बंद मुकम्मल हुआ बैक जाएंगे दूसरे बंद में जाएंगे वो बाद फ़ूलूल बंदे दोम इसी तरह ये बंद मुकम्मल करेंगे फिर आतर करीम इसके साथ नीचे एक और ना सिर्फ ऐड कर दी गई है लम याति नजीर कफी नजर इन मिसले तो नशुद पैदा जाना इमाम अहले सुन्नत का एक और कलाम और इसके नीचे जाएंगे तो एक फारसी कलाम तो इस तरह से हमने पहले के जो चार बंद हैं उनमें एक उर्दू कलाम और एक फ़ारसी कलाम ऐड किया हुआ है यहाँ पर ख़त सब्जो लब लाल खजेबादारी और हमने कोशिश की है ज्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा वो कलाम हम ऐड करें जो अक्सर मजालस मौलू में पढ़ा की पढ़ा पढ़ा जाता है इसी तरह बैग जाएंगे तीसरे बंद के नीचे हमने कलाम ऐड किया हुआ है मुख्तार की आमद है आलम है मतरसल अला नाजा है मलक शादा हैं फलक पुनूर समा माशा ये हजरत मौलाना मुश्ताक अमल खान साहब रहमत का कलाम है वो भी हमने ऐड किया है ऐड किया हुआ है नीचे इसके फारसी नाज़ शरीफ है वो सल्ला नूरिन कज़ोशुद नूर हा पैदा ज़मी अजहब्ब ओ साकििन फ़लक दर इश्क़ उशायदा येरत मौलाना जाम रही का कलाम यह एड किया हुआ है और उसके बाद चौथा बंग जो है वलम मातम जिसको महल कियाम भी आ, कहा जाता है यहां पे हमने ऐड किया हुआ है महल क्याम ताकि कारीन को ये पता चले कि इस बंद में ताजीमन हम अकाली सलातम के लिए खड़े होते हैं और फिर सलातम का नजराना पेश करते हैं इस बंद में आप पहुंचते हैं हदर उम्मीद आसियत व मरियम फी मरियमफी निसुदसिया वह फवालदत वसना तो इस बंद पर खास जो मामूल है पूरे अरब उलमा का अरब दुनिया में भी और अपने हिंदो पाक में भी खास कश्मीर में भी इस बंद के चौथे बंद के इस हिस्से पर पहुँचकर हम ताजीमन खड़े हो जाते हैं फिर सलातम का नजराना पेश करते हैं तो इस तरह हमने यहाँ पर अरबी सलाम भी पेश की हुई है ऐड की हुई है इसमें जो आपको बाहर से ढूंढने की

तो उन सब बंदों में कोई कलाम ऐड नहीं किया गया है उसकी वजह यह है कि अपने यहाँ हिंदाक में आमतौर चार ही बंद की तलावत होती है तो ये चार बंद आप पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं और इनके साथ जो हमने कलाम ऐड किए हैं वो पढ़ना चाहें वो पढ़ लें या अपनी मर्जी से कोई और कलाम ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं बुनियादी मकसद जो हमारा यह है कि आपके पास मौलूद बरजन जी की असल अरबी इबारत पहुँचे और ख़ास बात इसमें यह आपने नोटिस की होगी कि हर बंद में आपको तश्ील के साथ ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी ज़बर जेर के साथ इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी तो बिल्कुल आसान अंदाज में आसान इंटरफेस के साथ आपके सामने ये पेश किया गया है इसके साथ जब आप अट्ठारह बन तक पहुँच जाएंगे तो दुआ उमौलद यानी मौलिद के अख्ताम पर जो दुआ की जाती है वो भी यहाँ पर ऐड की गई है पूरी तरह से और इसके बाद आप मुसनफ़ का तारफ़ पढ़ सकते हैं यानी इमाम बरजनज रही तो ये तारफ़ बस तो तफसील के साथ आ, मैंने खुद लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं इनका नसब नामा ये कहाँ पैदा हुए कैसी विलादत हुई इन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की और फिर कहाँ पर बसे बरजन जी कैसे नाम पढ़ा इनका इनकी करामत में से कुछ जिक्र की हैं इनकी तालीफात का जिक्र किया हुआ है इनकी औलाद का ज़िक्र किया हुआ है इनकी वफात का जिक्र किया हुआ है तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी और फिर लास्ट में ऑप्शन इक्कीसवा जो है दूसरों तक ऐप शेयर करेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इस ऐप की लिंक अपने व्हाट्सअप के ज़रिए फ़ेसबुक के ज़रिए इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने सोशल मीडिया साइट्स पर अपने अकाउंट्स शेयर कर सकते हैं और लाजमी शेयर कीजिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मिलाद शरीफ की आमाद आमाद है, बहुत सारी मजालस में पढ़ा जाएगा और शायद आपके लिए मुफीद ना हो लेकिन आपके शेयर करने से शायद उन अशास तक ये जरूर पहुंचेगा जो इन मुबारक एयाम में इन मजालस का अहमाम करते हैं तो वहां पर इसकी तिलावत होगी हो तो आप भी उस स्वब में इंशाला अजीज जरूर शरीक होंगे इसके अलावा डेवलपर के मुतल पढ़ सकते हैं थोड़ा सा और मौलाना हसन अजहरी साहब जिन्होंने ऐप डेवलप की है माशाल्लाह और उसके साथ साथ आ, उनकी टीम के उनकी टीम ने जो है दो वेबसाइट्स का भी आ, जो है ना अहतमाम किया है दो वेबसाइट्स बनाई हैं जिन पर रोज़मर्रा के फ़िकी मसाइल अपलोड किए जाते हैं हनफ़ी फ़िक के अतबार से तो यहाँ उर्दू वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है वो आप विज़िट कीजिए उससे इस्ता हासिल करें और उसके अलावा हिंदी जानने वाले जो आ, दोस्त हैं जहाबाब हैं वो हिंदी वेबसाइट पर भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं इसके अलावा यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है तो ये बहुत ही आसान खूबसूरत और सिंपल इंटरफेस के साथ आपकी ख़िदमत में ये ऐप की जाती है हमें उम्मीद है कि आप हजरत इसको जरूर डाउनलोड करेंगे इस, इस इसको अपनी आरा से जरूर नवाजेंगे हम सजेशंस लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप कमेंट्स में या प्ले स्टोर पर अपनी सजेशंस दे सकते हैं अपनी आरा से नवाज सकते हैं और इन शाह मुस्तबिल करीब में इस तरह के और भी अ, अ, जो है ना एप्स वगैरह हम अ, बनाने का आजम रखते हैं तो बेस्ड ऑन योर रिएक्शन और आपका क्या इस पर पॉजिटिव फीडबैक आता है इनशाला उसके लिए भी आप प्ले स्टोर पर जाएँ वहाँ पर कॉमेंट्स करें और अच्छी सी रेटिंग दें कोर्स यूज़ करने के बाद और इसको खूब शेयर करें ताकि इन आ, मुबारक अय्याम में आप इस बाबरकत मौलूद शरीफ़ की तिलावत करें आप ख़ुद भी फैजयाब हों आपके दोस्त अहबाब आप भी फैजयाब हों और मजालस में इनका अहतमाम हो और आप सही तरीक़े से मौलुद बर्जन जी की तिलावत करें बग़ैर ख़त के चूंकि एर आपका इसमें पूर, पूरी तरीके से अहतमाम किया गया है तो इसी बात पर मैं आप सब हजरात से रुखसत होता हूँ अल्लाह ती आप सब का हम युनासर हो अल्लाह ताली आपकी भी हिफाज़त फरमायें और हमारी भी हिफाज़त फरमाएँ वालेक वरहल वबरकू